रे उस हाय भीर पश्चिमे वंदे सब सगण गण हरे सिद्धे सिरसा नमस्सामी नमो अरे हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो लोय सब साहुरम नमो लोय सब साहुरम गणनी गुरु माँ विशुद्ध मती जी दर से विशुद्धि भर दो मेरे आत्म प्रदेशों को माँ सिद्धालय धर दो बसवर भेदन कर सकूं अहिनिस लूं प्रभु नाम तब चरणों में हे गुरु माँ मेरा कोटि प्रणाम मेरा कोटि प्रणाम। जय बोलिए आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चिंतामणि मूल नायक तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी की परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की परम पूज्य मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी श्रोमणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की श्रीमान जैना धर्म की। परम पूज्य गुरु माँ के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्य का वृंद चुल्लिका वृंद ग्वालियर नगर के प्रतिष्ठित गौरवशाली गंगवाल साहब रामगंज मंडी के यशस्वी समाज रत्न सेठी साहब उपस्थित धर्म स्नेही भव्यात्माओं प्रकरण था कौन पिटा और किससे पिटा। यही था ना कौन पिटा किससे पिटा कब पिटा है ना। चार लाइनों से अपनी बात का शुभारंभ करूंगी। कहा गया है अंधों से पथ की पहचान मत पूछो। क्या कहा अंधों से पथ की पहचान मत पूछो गूंगे से सरगम की तान मत पूछो। आत्मानुभूति योगियों के गम में है रागियों से उसकी दास्तान मत पूछो। अपन क्या कहते हैं सहसा से मोक्ष मार्गी पूछता है आपसे स्वाध्याय किसका चल रहा है तो आप क्या जवाब देते हो पंडित जी साहब क्या जवाब देते हैं अपन। माता जी अभी समय सार चल रहा है इसके बाद नियम सार चलेगा और कर्मकांड जीव कांड तो हम पढ़ चुके हैं कोर्स चल रहा है कोर्स कर रहे हैं हम
जिसमें कर्म कांड, जीव कांड, पुरुषार्थ सिद्धि, इष्टोपदेश, आलाप पद्धति सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना बाकी है समय सार। यही है ना, समय सार का मतलब होता है समय माने आत्मा, समय माने गुरु, समय माने शास्त्र, समय माने स्वानुभूति। समय को समय से, समय ने समय पर, समय के लिए जिसने प्राप्त किया वो कौन? समय, आत्मा। ठीक है ना, आत्मा की चर्चा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ के अंतर्गत बड़ी सरल शैली में लिखी है। उसका नाम क्या है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष प्लस अर्थ सिद्धि उपाय। पुरुष माने आत्मा के अर्थ की सिद्धि का उपाय क्या है। अपन ने पढ़ा क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है? कोर्स में निकला नहीं निकला? अभी पढ़ा है, ध्यान रखना, चर्चा उसी की करने चल रहे हैं कि हमने समय सार पढ़ना है, समय सार पढ़ रहे हैं, लेकिन समय सार पढ़ने वाला होता कैसा है? कपड़े पहने पहने समय सार ही बनेंगे क्या? बोलो ना, कपड़े पहने पहने समय सार ही बनेंगे क्या? नहीं बन सकते। घर में रहते रहते समय सार को पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ सकते। मित्रों के साथ समय सार ग्रंथ का पाठन पठन होगा क्या? नहीं होगा। फिर किसके साथ होगा? समय को समय से, समय के द्वारा, समय के लिए समझो। हम बात करते हैं, ये मखौल नहीं है। जिन धर्म का अवर्णवाद करना दर्शन मुनि का आश्रम है। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज के अंतर्गत सूत्र का आलेखन किया है, केवल सुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मुनि का आश्रम कहाँ हुआ? केवली का, श्रुत का, धर्म का, संघ का अवर्णवाद करने पर। अवर्णवाद क्या है पंडित जी साहब? अवर्णवाद क्या है? जो जिसमें दोष नहीं है उन दोषों को कहना। समझ में आया ना? जो जिसमें दोष नहीं है उन दोषों को कहना, देवी देवताओं के बच्चे होते हैं, ये क्या है? अवर्णवाद है। देवी देवताओं के संतान नहीं होती। संगों में मदरा पान होता है, ये क्या है? अवर्णवाद है। केवली कवलाहारी होते हैं, ये क्या है? अवर्णवाद है। जिसमें जो दोष नहीं है उन दोषों को कहना अवर्णवाद है। और अवर्णवाद का उत्कृष्ट स्थिति बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। अपन परेशान होते ना कि माता जी आपने बताया है, महाराज आए थे उन्होंने बताया है, जितने लोग से पूछा है, इतने मंत्र कर चुका, इतने तंत्र कर चुका, सब कुछ कर चुका, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कहा महेश भैया? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतना सारा कर चुका उन्होंने कहा, इतना चौके लगाओ इतने चौके लगा दिए, इतना बिहार करा उतना बिहार करा दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुकान तो जैसी है वैसी है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे मनीषी तू कितना भोला है, समय सार को पढ़ रहा है लेकिन समय का सार समझ नहीं आया अभी तक। पूर्वबद्ध कर्म की श्रृंखला होती क्या है? कैसे बनते हैं कर्म और कैसे खुलते हैं कर्म? किससे बनते हैं कर्म, किससे खुलते हैं कर्म? कौन कर्म के अनुबंध का प्रबंध करता है? कौन कर्म को अनुबंध से शिथिल करता है? जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार 70 कोड़ा कोड़ी सागर का प्रबंध किया किसने? दर्शन मुनि के आश्रव करने वाले आत्मा ने। बड़ा अच्छा लगता है, शरीर में टेम्परेचर है,
डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, मिल गए मित्र। बात चल रही थी, गर्मी थी भाई, जहाँ पर ठंडक के लिए जूस पियो, रस पियो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है कि तुमको कोई रस नहीं पीना है। जब डॉक्टर के जा रहे थे, मित्र मिला तो रस पिया। कौन सा रस पिया भैया? निंदा रस। आनंद आ गया, सारे रस पी के हैं उस निंदा रस के आगे। घंटों तपन में खड़े होकर के बातचीत करते रहे, जो निंदा रस किया, जिस अवर्णवाद किया, उसका फल क्या मिला? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति का अनुबंध हुआ। जैसे भोजन किया आपने, भोजन का तुरंत उसकी शक्ति नहीं मिलती शरीर में, एक महीने का भोजन किया हुआ, उस भोजन से जो रसादी में भोजन परिणत हुआ, उससे एक महीने बाद एक बूंद वीर्य हमारे शरीर में बनता है, समझना। इसी तरह से जिस कसाई की परिणति से मैंने दूसरों को बुरा कहा, दूसरों की निंदा की, अपने घर के देवी देवताओं को तिरस्कृत किया, दूसरों को ठंडा पिलाया और बूढ़े घर के देवी देवता जो मेरे माता पिता थे उनको ओला जल पिलाने के लिए भी नहीं पूछा। कर्म सिद्धांत ने कहा कि जो दूसरों को तिरस्कृत करेगा, स्वयं को सम्मानित करना चाहेगा, अवर्णवाद करेगा, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का प्रबंध करके 7000 वर्ष को आराम से व्यतीत करता है। उसका कर्म का उदय 7000 वर्ष तक उदय में नहीं आएगा। 7000 वर्ष बाद अब उस कर्म का उदीर्णा काल प्रारंभ हुआ। जब उदीर्णा होगा तो उदय में आएगा ही आएगा, नियम है ये तो। अब जब उदय में आएगा, एक बार जब आपने उस बांध के, क्या कहते हो आपके जो मैनाल होता है, उसको गेट दरवाजे बंद कर देते हैं और जब खोलते हैं तो उसका प्रवाह होता है पूरा जल का, उसे फिर रोका नहीं जा सकता। इसी तरह उदीर्णा में आए हुए कर्मों की श्रृंखला को जो उदय में प्रारंभ हो रहा है, वो लगातार 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक चलता रहेगा। ये कर्म एक समय का बंद है और हम तो बार बार कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है, एक घूंट पी लिया रख दिया, फिर एक घूंट पी लिया, जहाँ जहाँ गला शुष्क होता है बार बार हम उसे तरोताजा करते रहते हैं। आखिर ये जीव इस निंदक और बंधक प्रवृत्ति से, मान और अभिमान के झंझटों में पड़ करके, ईर्षा वृत्ति की पार्श्विक वृत्ति में आवर्त होकर के अपने स्वरूप को भूलता है और इस देह के स्वरूप को ही अपना स्वरूप मान करके, देह के रूप को अपना रूप मान करके, देह की शुक्लता और कृष्णता को अपनी सौंदर्यता मान करके अभिमान के गर्त में जा गिरता है। वो बात बहुत दूर की नहीं है कि जब तुम अपने दर्पण में श्रृंगार करते हुए अपने रूप को निहारते हो, आप लोग तो शायद निहारते नहीं होगे, चिंता ही नहीं है रूप की, तो स्वरूप में लगे हैं अपन तो, है ना, दर्पण में देखते हैं क्या? बोलो ना, इतने शांत कैसे बैठे हो, बोलो। अभी तो रात को मौन रहा करो, दिन में बोला करो, है ना, रात में तो आवाज़ बहुत आती है, लेकिन अभी मौन। दर्पण में क्या होता है भैया? दर्पण सत्य है, बेशक कमजोर है, ध्यान रखना, दर्पण कमजोर है लेकिन सत्य है, जैसे का तैसा दिखाएगा। आप गोरे हैं तो गोरा दिखाएगा, काले हैं तो काला दिखाएगा, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा कि दाग चेहरे पर है, घिसता दर्पण है? कोई है क्या ऐसा? है कोई नहीं है, समझदार है माता जी, तब समझते हैं कि दाग चेहरे पर, दाग चेहरा घिसेंगे, दर्पण थोड़ी घिसेंगे, ऐसा ही है ना। जब दाग चेहरे पर है तो
चेहरा धोना चाहिए। जब जीवन मेरा नहीं सुधरा तो मुझे स्वयं का जीवन सुधारना चाहिए। मैं दूसरों के जीवन को सुधारने के लिए दिन रात लगा हुआ हूँ। दूसरों को समझाता हूँ, दूसरों के लिए बात करता हूँ, स्वयं की बात नहीं करता। अगर मैं स्वयं की बात करता होता तो ये पंक्ति सिद्ध नहीं होती। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन? ढूंढ रहे दुनिया की कमियां, अपने मन में ताके कौन? दूसरों को देखने में लगे हुए हैं, यही कारण है जब दर्पण के सामने खड़े हुए रूप को देखने के लिए पीछे से दिगंबर मुद्रा आती दिखाई दी। कहां तो सौंदर्य की अप्रतिम खान, राजा की अंतरवासिनी पटरानी, जिसको राजा एक समय के लिए भी नहीं छोड़ता था। मोह पास में आकंठ डूबा हुआ वो कमलाधिपति जब अपने अधिपति के पास जाने के लिए श्रृंगार करती है, पीछे से दिगंबर मुद्रा तन की मलिनता के साथ में प्रतिबिंबित हो जाती है उस दर्पण में, जिस दर्पण में दैहिक रूप को झांका जा रहा था। जैसे ही उस दैहिक रूप के झांकने में धूल दूषित नग्नत्व की, उस देह कालमा की झांकी दिखी, तो लगा उस मध के पहाड़ पर चढ़ते हुए आत्मा को कि अरे ये कौन है? इतना गंदा, इतना मलिन शरीर का, शरीर की क्रस्ता धूल दूषित शरीर मेरे रूप के देखने में बाधा को पैदा करती है।